अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त का खट्टा शोरबा करी का। उसके लिए हमें चाहिए मटन, ये 1.25 किलो मटन है, और हमने लिया है 3 टमाटर, उसे हमने अच्छे से कट कर लिया है, 3 मीडियम साइज की प्याज, उसे भी हमने अच्छे से कट कर लिया है, 3 आलू है, उसे भी हमने पीसेस में कट कर लिया है, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, हरे मसाले में हमने लिया है थोड़ी सी कोथमीर और 4 से 5 हरी मिर्च, आधी करी ली है, और हमने लिया है 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीर लाल मिर्च पाउडर। ये सारे इंग्रेडिएंट्स लगेंगे गोश्त आलू का खट्टा शोरबा बनाने के लिए। देखिए, हमने कुकर रख लिया है चूल्हे पर, अब हम इसमें डालेंगे तेल, 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे, देखिए तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे प्याज, अच्छे से मिक्स कर लीजिए, लाइट गोल्डन ब्राउन हुए तक इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिए, भून लीजिए। अब हम डालेंगे नमक, नमक डालने से जल्दी लाइट ब्राउन हो जाएंगे प्याज, इसलिए हम नमक डाल रहे हैं, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, लाइट गोल्डन ब्राउन हुए तक इसे पका लेंगे प्याज। देखिए प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अब हम डालेंगे नमक और हल्दी, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अब हम डालेंगे मटन, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अब हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च, देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अब हम डालेंगे करी, अब हम डालेंगे थोड़ी सी कोथमीर, 2 हरी मिर्च, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अब हम डालेंगे 1 ग्लास पानी गोश्त और करी और टमाटर गलने के लिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अब हम लगाएंगे कुकर का ढक्कन, गोश्त करी और टमाटर गलने के लिए हाई फ्लेम पे 7 से 8 सीटी लगाएंगे, सिम पे 4 सीटी लगाएंगे। देखिए हाई फ्लेम पे 7 से 8 सीटी हो गए हैं, सिम पे 4 सीटी हो गए हैं, गोश्त और टमाटर अच्छे से गल गई है, अब हम डालेंगे खोपरा पाउडर, भुने हुआ खोपरा पाउडर, 2 टीस्पून भुने हुआ खोपरा पाउडर डालेंगे, अब हम डालेंगे आलू, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, आधी ग्लास पानी डालिए आलू गलने के लिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अब हम लगाएंगे कुकर का ढक्कन, हाई फ्लेम पे 3 सीटी लगाएंगे आलू गलने के लिए। देखिए हाई फ्लेम पे 3 सीटी अच्छे से गल गए हैं, ये देखिए, अब हम डाल रहे 1 ग्लास पानी लिक्विड करने के लिए, अगर आपको गाढ़ा रखना है तो गाढ़ा रख लीजिए, देखिए इस तरीके से मिक्स कर लीजिए अच्छे से। देखिए हम आपको इतना लिक्विड की जरूरत है, इसलिए हमने 1 ग्लास पानी डाल लिया है, अगर आपको ज्यादा होना है तो आप ज्यादा पानी डाल सकते हैं। देखिए उबाल आ गया है, अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, हरा मसाला, थोड़ी सी कोथमीर और हरी मिर्च, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, हाई फ्लेम पे 1 मिनट पका लीजिए। देखिए हाई फ्लेम पे 1 मिनट हो गए हैं, आलू गोश्त का खट्टा शोरबा करी का डिश आउट करने के लिए रेडी है। देखिए आलू गोश्त का खट्टा शोरबा करी का डिश आउट हो चुका है, ये देखिए बहुत ही मजेदार बना है, आप एक बार जरूर ट्राई करें, इसे आप व्हाइट राइस के साथ बना सकते हैं, बहुत ही मजेदार है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।